नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक सरकारी नौकरी आसानी से पाना चाहते हैं? क्या आपको ज़्यादा डिग्री ना होते हुए भी एक अच्छी सरकारी जॉब पाना है? तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको स्टेनो कोर्स के बारे में बताया गया है, जिसे करके आप जल्द से जल्द व आसानी से सरकारी जॉब पा सकते हैं। तो आइए शुरू करें। स्टेनो कोर्स आखिर ये है क्या? स्टेनो कोर्स, स्टेनो एक भाषा है जिसे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा को स्टेनो लैंग्वेज में बदलते हैं, जिसे हम शीघ्र लिपि शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। ये कोर्स आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला ITI के माध्यम से, दूसरा बिना ITI के। लेकिन दोनों माध्यमों में आपको 12वीं पास होना काफ़ी ज़रूरी होता है। हालांकि कई लोग इसे 10वीं के बाद से ही शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्टेनो को हम दो भाषाओं में सीख सकते हैं, पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी। दोनों ही भाषाओं में मेहनत समान लगती है। यदि आप स्टेनो कर लेते हैं तो आप एक सरकारी या प्राइवेट जॉब आसानी से पा सकते हैं। स्टेनो के बाद एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, और बहुत से ऐसे सरकारी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ स्टेनोग्राफर की काफ़ी ज़रूरत होती है। चलिए एक सरल उदाहरण में समझते हैं। आप सबने बॉलीवुड की नायक फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का CM बनता है और साथ ही परेश रावल जो कि उसका PA होता है। वही फिल्म में परेश रावल ही एक स्टेनोग्राफर होता है। ये कोर्स 1 साल का होता है, लेकिन इसमें स्पीड लाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में ही सीख जाएंगे। कई लोगों को कम समय लगता है तो कई को ज़्यादा। इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तभी आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। स्टेनो के साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सरल भाषा में स्टेनो के बारे में पता चल चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो और देखने के लिए चैनल को प्ले करके वीडियो देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।